रुक जाइए। आप युवराज को रुकिए। युवराज, 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 हमें जाना चाहिए, इनके परिवार की बात, हमें मंदिर भी जाना है ना। ये क्या कर रहे हो आप? एक गरीब मनुष्य कर भी क्या सकता है, मैं अपने अमृत पुत्र को नदी में बहा रहा हूं। पर आपने तो इसे आरोग्य धाम भेजा था। भाग आया वहां से, हमसे दूर नहीं रह पाया, क्या पता आखिरी बार मिलने आया था। और मेरी विवशता देखिए युवराज, मैं अपने पुत्र का अग्निदाह करके उसे मोक्ष भी नहीं दिला सकता, इसे नदी में बहाना पड़ेगा। अग्निदाह क्यों नहीं दे सकते? मेरे पास ब्राह्मणों को देने के लिए धन नहीं है, और बिना दक्षिणा ब्राह्मण दाह संस्कार नहीं करेंगे और मंत्रोच्चार नहीं होगा, मेरे पुत्र को सद्गति नहीं मिलेगी और मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष? ना तुम जानते हो ना मैं, केवल ब्राह्मण जानते हैं, और वो भी वेदों की दृष्टि से, जिनमें मोक्ष की परिभाषा तो है पर प्रमाण नहीं। पर क्या तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से तुम्हारे पुत्र को मोक्ष प्राप्त होगा, उसको सदगति मिलेगी? क्षमा करें युवराज, हम लोग परंपराओं पर चलते हैं, परंपरा ही हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा के प्रश्न पर प्रमाण नहीं देखते। क्योंकि ऐसा करना वो भी एक परंपरा है। ये तो वही हाल हुआ कि एक मनुष्य की आंखों पर वेदों की पट्टी बांध उसे श्रद्धा की जंजीरों से जकड़ दिया जाए और खाई में लटका दिया जाए, और उससे कहा जाए यदि तुम इन जंजीरों को तोड़ोगे तो खाई में गिरोगे, और यदि नहीं तोड़ी तो जीवित रहोगे पर लटके रहोगे। और जीवनांत वो मनुष्य श्रद्धा की जंजीरें थामे संसार की खाई में परंपराओं के नाम पर लटका रहता है। फिर भी मंत्रोच्चार से मोक्ष प्राप्त होता है, सदगति मिलती है, और ऐसे मिथ्या वचन में तुम मानते हो तो सजाओ चिता, केवल तुम्हारी खुशी के लिए आज ब्राह्मण भी आएंगे और तुम्हारे पुत्र का अग्नि संस्कार भी होगा। चन्ना, युवराज, चिता राख हो गई। दारुण के पिता भी अस्थियां विसर्जन को ले गए। कब तक बैठे रहेंगे आप यहां? क्यों होती है जीवन के प्रति इतनी घृणा? क्यों उठते हैं प्रश्न? यदि जन्म से मृत्यु की ओर ही दौड़ना है तो जन्म ही क्यों लेते हैं? पंच महाभूत का यह शरीर क्यों राख हो जाता है? क्यों विराग से मन भर जाता है? क्यों सारा संसार मिथ्या लगने लगता है?
इसे विषाद योग कहते हैं युवराज। जब भी यम अपने अधिकार का उपयोग करता है इस योग का जन्म होता है। जब भी मृत्यु होती है मन विषाद से भर जाता है, परंतु ये योग क्षणिक होता है। कुछ दिन ये सब उसे याद करेंगे और फिर भूल जाएंगे। कुछ दिनों बाद दारुण भी अपने बड़े भाई को भूल जाएगा। यही संसार का चक्र है। कुछ दिनों पहले वो था, अब नहीं। कुछ दिनों तक हम रहेंगे, फिर नहीं। युवराज, मनुष्य को व्यवहारिक बनना चाहिए। मृत्यु से ना सूरज चांद का उगना बंद होता है, ना बादल का बरसना। प्रकृति का नियम है, फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, फिर कोपलें फूटती हैं। बादल बरसने को ही जन्म लेते हैं और बरसने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता। फिर नया बादल बनता है, फिर बारिश होती है, पर जगत रुकता नहीं, वो चलता है। अब हम भी चलें? हाँ, हम भी चलते यहां से दूर। कल प्रातःकाल ही मैं आपको दूसरे शाक्य प्रदेश ले जाऊंगा। ऐसी जगह ले जाऊंगा कि नहीं चन्ना, हम कपिलवस्तु वापस चलेंगे। इसके सिवा सारे वस्त्र बांध दो। जी। चन्ना ने कहा है कल प्रातःकाल हम यहां से प्रस्थान करेंगे। आपको यहां से कुछ कपिल वस्तु ले जाना है? नहीं, मुझे यहां की कोई स्मृति नहीं चाहिए जिसे मैं अपने साथ ले जाऊं। युवराज की तरह आपका मन भी अप्रसन्न है। एक सुझाव दूं, युवराज को यह शुभ समाचार दे ही दीजिए, फिर देखिए कैसे उदासी दूर हो जाती है। रात में भी दिन निकल आएगा। लोशिका, समय वो जीवन के आनंद का नहीं, जीवन के दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस समय उन्हें ये समाचार दूंगी तो उनके चेहरे पर वो आनंद ना होगा जो मैं अपनी संतान के लिए देखना चाहती हूं। उन्हें ये समाचार मैं तब दूंगी जब वो प्रसन्न होंगे। मैं आपकी वेदना समझ सकती हूँ राजकुमारी, चाहते हुए भी आप ये समाचार उन्हें नहीं दे सकते। पर देखिएगा, कपिल वस्तु पहुंचते पहुंचते सब ठीक हो जाएगा। इस समय मुझे माँ प्रजापति की बहुत याद आ रही है। बस किसी भी तरह यहाँ से निर्विघ्न कपिल वस्तु पहुंच जाए लोशिका। देखो इन शिखरों को, इन वृक्षों को, क्या सोचते होंगे ये? क्या कुछ नहीं देखा होगा गोपा इन्होंने, फिर भी ये इतना शांत कैसे रहते होंगे? और हम मनुष्य? रुक जाओ, मत करो इतना अत्याचार, मत करो हम पर इतना अत्याचार, मत करो। ईश्वर हमारी रक्षा करो, ईश्वर परिवार का निर्वाह कैसे करूंगा? ठहरो, क्या अपराध है इसका? तुम्हारा क्या अपराध है? कुछ नहीं। तो फिर क्यों अकारण बीच में आकर अपराधी बन रहे हो? भूख लगी है तो खाना खाओ, कोड़े खाने पर क्यों तुले हो? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जो भी हो, हमारे पास राजा तपोधन का आदेश है। ये शाक्य गण राज्य के महाराज शुद्धोधन के पुत्र
युवराज सिद्धार्थ हैं। क्षमा युवराज। युवराज, युवराज, कहो क्या है ये सब? क्षमा करें युवराज, राजा तपोधन का आदेश है कि सारे व्यापारियों से कर वसूला जाए। युवराज, वो कर तो ये हमसे पहले ही ले जा चुके हैं। ये अतिरिक्त कर है, युद्ध के कारण राजकोष को भारी क्षति पहुंची है। बंद करो ये अतिरिक्त कर लेना। किसानों से लगान लेते हो, व्यापारियों से कर लेते हो, गरीबों से उनकी रोटी छीनते हो। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज किस पर करोगे? कह देना राजा तपोधन से कि युवराज ने विनती की है, ना माने तो आदेश भी मिल जाएगा। उठाकर रखो ये बोरिया जहां से उठाई थी। युवराज सिद्धार्थ की, 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 युवराज सिद्धार्थ की। क्या ढूंढ रहे हो युवराज? महादेवी प्रजापति को? ना, माँ को। महादेवी प्रजापति तो महाराज के साथ गई हैं। और महाराज कहाँ गए? महादेवी के साथ। और वो दोनों कहाँ गए? एक दूसरे के साथ। लो, जो सामने है उनका तो मान नहीं, और जो ना देखे उनकी पूछताछ। क्षमा करें काकी माँ, पर कोई बात नहीं पुत्र, पर तुम अचानक लौट क्यों आए? तुम्हें तो पूरे शाक्य गणराज्य का भ्रमण करना था। हाँ काकी माँ, वहां मन अप्रसन्न रहता था और आप सबकी याद भी आती थी, इसीलिए हम लौट आए। अभी तो बात टाल दी है, लेकिन अगर फिर से महाराज के बारे में पूछा तो क्या उत्तर देंगे? वही करेंगे जो अभी किया। क्या? अभिनय। क्यों अकारण चक्कर लगाकर अपने पैर दुखा रही हो? पैर कहाँ, पेट दुख रहा है। किस कारण? ऐसा क्या खा लिया तुमने? एक बात। बात? कैसी बात? वही जो आपके पेट में है। इतनी बड़ी खुशी की बात आप अपने उधर में कैसे छुपा सकती हैं राजकुमारी? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं थाली बजा बजा कर पूरा महल घुमाऊं, गगन ढोल बजाऊं जिससे सारा नगर जान जाए, और महाराज और महादेवी जहाँ कहीं भी हो हवा पे सवार होकर आपके पास चले आए। बोलिए, बता दूं? क्या बताना चाहती हो लौशिका? यही कि हम दिए जलाने मंदिर जा रहे हैं। तीन दिए? ये किस लिए गोपा? पहला, हम यहाँ से सब सकुशल पहुंच जाएं, इसलिए। और दूसरा दीपक, हम वहां से सकुशल लौट आएं, इसीलिए। और ये तीसरा दीपक? मैं चन्ना से कहकर तैयार करवाती हूँ। तुमने बताया नहीं गोपा, ये तीसरा दीपक किस लिए? आप बताओ तो मानूं। आज कोई त्योहार है? नहीं। तो आज किसी का जन्मदिन होगा?
मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, मेरे मन की शांति के लिए नहीं। तुम्हारी बालिक हो गई थी जो तुम्हें मिल गई, इसीलिए। तो फिर किस लिए गोपा? ये दीपक स्वयं दीपक के लिए। स्वयं दीपक के लिए? हाँ, उस दीपक की जो पूरे राज में, राजमहल में, सबकी आंखों में, सबके मन में उजाला ही उजाला कर देगा। क्या, किसकी बात कर रही हो गोपा? उसकी, जिस दीपक को सारा परिवार कुलदीपक कहेगा। क्या कहा, क्या कहा गोपा तुमने? अर्थात जो मैं सोच रहा हूँ वो सत्य है गोपा? वो सत्य है? अर्थात, अर्थात एक छोटी बांसुरी बनवानी पड़ेगी, एक छोटा कटिबंध लाना होगा, झुंझुने वाला, उसके छोटे छोटे चरणों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, जो महाराज की दाढ़ी खींचेगा और महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे, जो माँ की गोद में सोएगा और माँ उसे लोरिया गाकर सुनाएगी, आ गोपा 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 गोपा, इस सृष्टि का आनंद सच कितना अवर्णनीय है, सच गोपा, जिसके केवल समाचार मन को उजाले से भर दिया, जब वो स्वयं आएगा तब क्या होगा गोपा? क्या हमारी आंखें, क्या हमारी आंखें उस उजाले को सह पाएंगी, सह पाएंगी? हाँ, वो स्वयं हमारी आंखों का तारा होगा आर्य। महाराज और महारानी को जब ये खुशी की बात पता चलेगी तो क्या होगा गोपा? चलो हम ये खुशी की बात उनको बताते हैं। पर वो है कहाँ? वो तो, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। कैसे? वो तो महाराज की आज्ञा थी, इसीलिए मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ गोपा, उनकी अनुपस्थिति का कारण मंजली काकी और मंजली काकू को अवश्य पता होगा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। और मैं कह देता हूँ गोपा, सबसे पहले ये खुशी का समाचार हम माँ को सुनाएंगे, माँ बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी माँ। ये क्या कर दिया मंगला? क्या हुआ? पैरों के नुपुर को शीश का आभूषण बना दिया। मन भटक रहा है, अर्थात मन में कुछ और तुम कर कुछ और रही हो। पर ये सोचने वाली बात तो है ही, सच मन सिद्धार्थ के आगमन से विचलित है, चिंतित है। कब नहीं था? संन्यास की इच्छा रखने वाले घर परिवार से दूर भागते हैं, भीड़ भाड़ से दूर एकांतवास में रहना पसंद करते हैं, परंतु ये सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है कि घर वापस आ गया और वापस आकर कहता है, आप कैसी हैं काकी माँ? आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। याद आ रही थी? अब तो जब जब उसके मुंह से काकी माँ सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं दुर्भाग्य बोल रहा हो। काकी माँ, क्या हुआ पुत्र? काकी माँ, मैं इसी घड़ी महादेवी से मिलना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी विपता आन पड़ी जो हम नहीं सुलझा सकते? विपता नहीं काका, घोषणा को। घोषणा? हाँ, समाचार खुशी का है, पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये समाचार माँ सुन। बताइए ना, माँ कहाँ है? रोहिणी नदी के तट पे। रोहिणी नदी के तट पे? हाँ, कुछ पूजा पाठ करने गए हैं, कदाचित तुम्हारी मनोशांति के लिए। आज्ञा काकी माँ, मैं चलता हूँ, उन्हें साथ लेकर ही लौटूंगा। पर हाँ, लौट कर आते ही बड़ी खुशी का समाचार दूंगा। अवश्य। ये क्या कर दिया मंगला? महाराज ने किसी को बताने से मना किया था। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने
आर्य, इनके पुत्र को ही तो बताया, और किसी को तो नहीं। पर उन्होंने ये बात सिद्धार्थ से कई वर्षों से छुपा कर रखी थी। आज सत्य को उजागर हो जाने दो आर्या। माता पुत्र को दूर करने का यही तो एक मार्ग था, युवराज को पता चल जाए कि उसको जन्म देने वाली माँ प्रजापति नहीं कोई और है। उससे क्या उपलब्ध होगा? आप नहीं समझेंगे आर्या, आंखें बड़ी करके सोचिए। अटूट संबंध को तोड़ने की यही एक युक्ति है संत है। मैंने तो रोहिणी नदी में कंकड़ डाल दिया है। अब देखिएगा तरंगे दूर तक जाएंगी। कभी कभी मंगला कमाल कर जाती है ना आर्य? क्या सोच रही हो देवी? न जाने क्यों आज अचानक अपराधी भावना का अनुभव हो रहा है। ऐसा क्यों? मां का तर्पण श्राप पुत्र का अधिकार होता है, पर हमने सिद्धार्थ से यह अधिकार छीन लिया। सत्य है, परंतु पुत्र का यथार्थ सोचना क्या माता पिता का कर्तव्य नहीं? ऐसा सोचो देवी कि हमने उसके अधिकार नहीं छीने, हमने हमारा कर्तव्य किया। न जाने कौन सा दुख उसे वैराग्य के पगडंडी पर ले जाए, इसलिए हमने उसे हर दुख से परे रखा। हम अपराधी नहीं। हर क्षण यही भय लगा रहता, किसी दिन उसने जान लिया तो क्या होगा? क्या वो ये दुख सह पाएगा? क्या सत्य जानकर वो हमें क्षमा कर पाएगा? दे माँ, माँ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ लौटा है। सिद्धार्थ, देव, देव सिद्धार्थ यहाँ आ रहा है। युवराज, तुम कब आए? इतने शीघ्र कैसे लौटे? क्या हुआ गोपा? चिंता का कोई कारण नहीं पिताजी। पहले आप बताएं, आपने महल में ऐसा आदेश क्यों दिया कि आप यहां हैं और ये बात सबसे गुप्त रखी जाए? इसलिए कि राजनीति हमारा पीछा न करे, अन्यथा महामंत्री उदयन राजनीतिक समस्या लेके हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं। पर ये गुप्त पूजा है किस लिए माँ? युवराज, ये पूजा पारिवारिक शांति हेतु है। तो परिवार के साथ क्यों नहीं? अब आप दोनों आई गए हैं तो परिवार भी पूर्ण हुआ। तो ठीक है, पहले पूजा समाप्त कर ली जाए। इसका फल एक समाचार के रूप में आपको तुरंत मिलने वाला है। कैसे समाचार? पहले पूजा पूर्ण कर ले, फिर बताऊंगी। श्राद्धरम्भे गयाम ध्यात्वा देवं गदाधराम् स्वपितृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत् इदं पिण्डं ते मया दीयते तौ प्रतिष्ठताम्।
पिंड दानेना पिंड स्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रियताम नामा। युवराज अब इस पिंड को नदी में बहा दे। पिंडदान क्षमा करें कुलगुरु, ये श्लोक ये पिंडदान विधि ये तो तर्पण पूजा है। हाँ युवराज ये सत्य। किसका तर्पण कर रहे हैं आप? दान के लिए ये चूड़ी ये कपड़े ये सिंदूर किसका तर्पण हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माता का। महादेवी तुम्हारी माता का। ये क्या अशुभ बोल रही है मां? जीते जी कोई अपना तर्पण करता है? सिद्धार्थ हमने बहुत प्रयत्न किया कि तुम्हें इस दुख से दूर रखें, पर अब तुम बड़े हो गए, तुम समझ सकोगे। मां क्या समझ सकूंगा मैं? सिद्धार्थ मैं तुम्हारी जननी नहीं, तुम्हारी जन्मदात्री मेरी बड़ी बहन महामाया थी। तुम्हारे जन्म के 7 दिन बाद चल बसी, मैं तुम्हारी जननी नहीं तुम्हारी पालक माता हूं। विधि की वक्रता देख लो गोपाल, समय का ये शाम योग देख लो। मैं और गोपाल आपको अपनी आने वाली संतान का समाचार देना चाहते थे और आपने मुझे मेरी माँ की मृत्यु का समाचार दे दिया। मनुष्य कितना असहाय और काल कितना बलवान। क्या मैं तुम्हें और आपको भी खो दूंगा। और मैं भी कहीं खो जाऊंगा। अच्छा ये बताइए तो सही कि मुझे लगा कि आपके भाई हैं, आप हैं वो भी ठीक है। चलिए आज आप ही बता दीजिए कि यह हार मेरे गले पर कैसा दिखता है। इस हार के साथ सर धड़ से अलग कर दूंगा तुम्हारा।
आज तक तुमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, मैं चुप रहा। तुम्हारा स्वभाव समझकर अनसुना किया। परंतु अब यदि तुम्हारे कारण सिद्धार्थ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मेरे कारण? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया महाराज? जो बात गुप्त रखनी थी तुम्हें सिद्धार्थ को बताने की क्या आवश्यकता थी? तुमने उसे क्यों बताया कि हम नदी के तट पर गए हैं? तो क्या उसे महामाया के बारे में पता चल गया? चलो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ महाराज, बहुत अच्छा हुआ। लटकती तलवार बनकर जो सत्य जी रहा था वो सामने आ गया। आपके और महादेवी के हृदय का भार भी कम हो गया महाराज, अद्भुत। परंतु महाराज आप तो भार की जगह फटकार दे रहे हो। मैं केवल तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ मंगला। पुनः ऐसी भूल हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई की पत्नी हो। पर मुझे सदैव स्मरण रहेगा महाराज कि मैं आपके भाई की पत्नी हूं, आपकी नहीं। ये सिंदूर, ये आदि शक्ति का प्रसाद, और ये फूल, इन्हें हमेशा अपने जूड़े में सजाए रखना। इसकी सुगंध से मां और बच्चे दोनों का मन प्रसन्न रहेगा। और ये मां अभया का रक्षा कवच, ये तुम्हारी और हमारे पौत्र की रक्षा करेगा। और ये गहने, इन गहनों की क्या आवश्यकता है मां? क्यों नहीं, तुमने कपिलवस्तु के भविष्य के शुभ समाचार दिए। हमारे पुत्र को अपने प्रेम से बांधकर वैराग्य की ओर जाने से रोका। ये गहने बधाई के। भय के समय हंसू अपशगुन होते हैं मां। यशो, मैंने तुझे और सिद्धार्थ दोनों को बुलाया था, किंतु तू अकेली आई। आज दो दिन हो गए, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। दो दिनों से उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की मां, केवल अपने आप में खोए रहते हैं, आसमान तकते रहते हैं। ना चन्ना से कोई बात, ना कंथक से कभी बात की, तो बस स्वयं से। यशो, यशो तुमसे एक बात पूछूं, अधिकार के लिए अनुमति कैसी मां? क्या वो मुझसे पहले जैसा स्नेह करेगा? मुझे मां तो कहेगा ना, कहीं मुझे इस बात के लिए दोषी तो नहीं समझेगा कि मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। महाराज भी बहुत चिंतित थे। नहीं मां, आपने जो कुछ भी किया अपने पुत्र के लिए किया। सिद्धार्थ, कहां थे, क्यों नहीं आए? दो दिन बीत गए, अपनी बाकी याद नहीं आई। आप भी तो नहीं आई मां। मैं अपराधी भावना से पीड़ित थी सिद्धार्थ, और मैं जीवन के प्रश्नों से घिरा था। कदाचित आकस्मिक स्थिति के लिए मन तैयार नहीं था, और अचानक से
ये पीड़ा का समय बीत जाएगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं मां। कहो पुत्र। मैं माया का अंश अवश्य हूं, पर आपके बिना अधूरा हूं। आपकी ममता मेरा सौभाग्य, आपका त्याग मुझ पर आपका उपकार। मैं अनुज नंद का दोषी हूं जिसे मेरे लिए आपने स्वयं से दूर रखा, जिससे मेरी ममता में कोई कमी ना हो। कोई माता पिता अपने पुत्र पर उपकार नहीं करते, केवल स्नेह करते। मैंने आज यशोधरा के साथ तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि यशो के साथ साथ मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती थी। आओ मेरे साथ, आओ। ये देखो, ये माया दीदी की स्मृतियां मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी थी। दीदी बहुत सुंदर थे, कल्पना से भी अधिक सुंदर। हमेशा तुम्हारे सपनों में खोई रहती थी। ये तुम्हारे बचपन का खिलौना है सिद्धार्थ। अपने पुत्र को देखकर माया दीदी बहुत खुश होंगी। आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। बाप, आपको मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, पर आपकी धुन सुनी। आपको बांसुरी सुनना प्रिय था, धुनी मेरा आपको तर्पण।